हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत के शब्द रूप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि वो संस्कृत को जो शब्द रूप है वह उनको नहीं याद होता है। बहुत प्रयास करते हैं फिर भी बार बार भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम वो ट्रिक बताएंगे आपको कि अगर आप एक शब्द रूप याद कर लेंगे तो आपको बहुत सारे शब्द रूप याद हो जाएंगे। और आपको एक बार अगर याद कर लेंगे तो आपको शब्द रूप कभी नहीं भूलेगा, ये 100% हमारा वादा है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और उसके बाद आपको जो है कि कभी शब्द रूप याद नहीं करना पड़ेगा। आप यह वीडियो देखते ही देखते पूरा शब्द रूप आपको याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड देखिए, यह जो राम का शब्द रूप हमने लिखा है, यह सिर्फ आज की जो वीडियो मैं बताऊंगा वह अकारांत पुल्लिंग के लिए बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, अगली जो वीडियो आएगी उसमें मैं अकारांत स्त्रीलिंग के लिए, फिर उसके बाद जो है कि इकारांत के लिए, फिर उकारांत के लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। लेकिन यह जो मैं आज बता रहा हूँ यह अकारांत पुल्लिंग के लिए होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस जो भी वर्ड अकारांत का होगा आप इस तरीके से याद करिएगा, आपको याद होगा जो मैं अभी तरीका बताऊंगा। तो फ्रेंड चलिए हम देखते हैं। तो फ्रेंड देखिए, जैसे यह राम का रूप है तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, किसको जब याद करते हैं राम का रूप तो इस तरह से याद करते हैं, राम रमो रमा, रामम रमो रमान, रामेण रामाभ्याम रामई। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सभी लोग लगभग ऐसे ही याद करते हैं। तो देखिए आपको कैसे याद करना है, तो आपको इस तरह से याद करना है। यहाँ से आपको एक वचन का पूरा याद करना है, फिर द्विवचन का याद करना है, फिर बहुवचन का आपको याद करना है। तो कैसे याद करना है देखिए, जैसे एक वचन में है आपका राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम। तो यह है आपका, यह पूरा मिला के 8 वर्ड है आपके एक वचन में। तो आपको इस तरह से पढ़ना है, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम। आपको इसी तरह से याद कर लेंगे। आपको कोई पूछेगा पंचमी में कौन सा आया तो रामात हो जाएगा। आपको थोड़ा गा करके पढ़ना है, जैसे मान लीजिए राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम। तो फ्रेंड्स, इस तरह से गा के आपको पढ़ना है। तो आप जब याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगा। हमको मात्र इस तरह से याद करने में मात्र 5 से 7 मिनट लगा था, उतने में यह रूप पूरा याद हो गया था। इस तरह से आप गा करके पढ़िए, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम, राम रामम रामेण रामाय रामात रामस रामे हे राम। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। और आप आते हैं द्विवचन में। तो द्विवचन में जब आएंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए कि द्विवचन में पहला वर्ड और दूसरा वर्ड दोनों एक ही है, फिर उसके बाद रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, यह 3 वर्ड आपका एक ही है, और यह 2 वर्ड एक ही है, और यह जो नीचे के 2 वर्ड हैं यह भी एक है। तो मतलब आप अगर यहाँ से 3 वर्ड याद कर लेंगे तो आपको यह द्विवचन का पूरा याद हो गया। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, केवल 3 वर्ड याद करना पड़ेगा, आपको जो है कि 6-7 वर्ड आपके याद हो गए। तो इसी तरह से, और यह जो लास्ट वाला वर्ड होता है, यह यहाँ से पहला जो वर्ड होता है वही होता है, बस आगे जो है हे लग जाता है। यह पहले में नहीं ऐसा होता है, केवल दूसरे द्विवचन में और बहुवचन में ऐसा होता है कि जो यहाँ से लास्ट वर्ड होता है वह फर्स्ट का ही नीचे कॉपी होता है, जो संबोधन में होता है, आगे जो है कि केवल हे लग जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ द्विवचन में आपका पहला दूसरा वर्ड समान है, तीसरा चौथा पांचवा वर्ड समान है, और जो है कि 6ठा और 7वां वर्ड आपका समान है। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि आप आते हैं बहुवचन में। बहुवचन में आपको कैसे याद करना है देखिए, यहाँ पे यह जो दोनों वर्ड हैं यह समान है, रामेभ्य रामेभ्य, और यहाँ पे फिर उसके बाद इसी को उसी तरह याद करना है जैसे हमने एक वचन का बताया था कि राम रामम रामेण रामाय रामत रामस रामे हे राम हमने बताया था। तो उसी तरह से आपको इसको भी याद करना है, जैसे है
रामह रामन रामई, रामह रामन रामई, रामेभ्य रामेभ्य रामा राम रामेशु, हे रामा। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, रामह रामन रामई, रामेभ्य रामेभ्य रामा राम रामेशु, हे रामा, हे रामा। तो इस तरह से आप याद करिए। आपको जब भी क्वेश्चन आएगा आपका, मान लीजिए एग्जाम में, तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, पूछता है कि आप जो है कि राम का रूप का जो है कि षष्ठी का एक वचन क्या होगा, तो षष्ठी का एक वचन आपको बस एक लाइन पढ़ना पड़ेगा और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं याद करेंगे तो षष्ठी का अगर एक वचन पूछेगा तो पहले आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यह पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद यह, उसके बाद जब आएगा तब आपको। वैसे बहुत ज्यादा लोग भूल जाते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है और आपका गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसी तरह से पढ़िएगा और याद करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे दो चार बार तो आपका हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसी तरह से आपका जो है कि जितने भी आपके अकारांत पुल्लिंग होंगे उन सबका रूप चलेगा। जैसे अगर बालक है तो बालक का भी रूप इसी तरह से चलेगा, बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात बालकस्य बालके हे बालक, इसी तरह से चलेगा। यहाँ बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकेयो बालकेयो हे बालकौ, और यहाँ से आ जाएगा बालका बालकान बालकई बालके बे बालके बे बालकानाम बालकेषु हे बालका। तो इसी तरह से चलेगा आपका रूप, और चाहे कोई भी हो जाए, राम आ जाए श्याम आ जाए, जितने भी अकारांत पुल्लिंग है सब इसी तरह से रूप चलेगा। आप एक रूप याद कर लेंगे, जितने भी अकारांत पुल्लिंग है सब इसी तरह से चला देंगे, आपके रूप तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसी तरह से याद करिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम मिलेंगे जो है कि विकारांत वाले शब्द को लेकर के, उसकी ट्रिक आपको बताएंगे कि कैसे आप याद करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।